वहीं गाजियाबाद से बड़ी खबर, ऑनलाइन धर्मांतरण के आरोपी की रिमांड खत्म, शाहनवाज और बद्दू की पुलिस रिमांड खत्म। तो आज मेडिकल के बाद भेजा जाएगा डासना जेल। तो पुलिस पूछताछ में बद्दू ने कई खुलासे किए। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, ऑनलाइन धर्मांतरण के आरोपी की रिमांड खत्म हो गई है। और आपको बता दें, शाहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दू की 3 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। आज बद्दू को वापस डासना जेल भेजा जाएगा। 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में बद्दू ने कई अहम जानकारियां पुलिस को दी हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज स्टेट के संवाददाता हिमांशु शर्मा। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिगों का धर्मांतरण कराने वाले मुख्य आरोपी शाहनवाज मकसूद खान की 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड आज पूरी हो चुकी है। गाजियाबाद पुलिस आज शाहनवाज को वापस डासना जेल भेजेगी। इससे पहले गाजियाबाद पुलिस ने इन 3 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड में 300 से ज्यादा सवाल बद्दू से किए थे, जिनमें तमाम खुलासे हुए। पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया। साथ ही 5 छात्रों के धर्मांतरण की बात को भी शाहनवाज ने कबूला। इसके साथ ही जो ईमेल आईडी उसके पास से मिली थी, इसके बारे में जब पूछा गया तो उसको लेकर फंड कहां से आया, उस अकाउंट के बारे में भी शाहनवाज मकसूद खान ने गाजियाबाद पुलिस को बताया। एटीएस आईबी की टीम ने भी बद्दू से पूछताछ की। इसके अलावा भी बद्दू किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पूरे देश में अपने नेटवर्क को फैला रहा था, कौन कौन उसके आका हैं, उसको लेकर भी तमाम सवाल किए गए, जिसके जवाब बद्दू ने दिए। हालांकि ये धर्मांतरण का जो गेम था ये पाकिस्तान से चल रहा था, ऐसा शाहनवाज ने बताया। यही वजह है कि अब शाहनवाज उर्फ बद्दू के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। पुलिस ने पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि तमाम एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद अब गाजियाबाद पुलिस कोर्ट में मजबूत चार्जशीट पेश करेगी, ताकि बद्दू के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। वीडियो जन